What's happening people? This is Prajeet here with yet another vlog. अभी आप लोग ने जस्ट एक वीडियो देखा और इस वीडियो में बेसिकली एक थ्रिलर, एक हॉरर, एक साइकिक काइंड ऑफ वीडियो था। यू नो, इस तरीके के सपने आते हैं कभी कभार आजकल मुझे। यू नो, मैं सोता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाइक नीचे है। एक मैं ट्रिप्स करता था, पता नहीं वियर्ड काइंड ऑफ ड्रीम्स। यू नो, ऐसे काइंड ऑफ ड्रीम्स आते हैं मुझे, पूछो मत। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन मैं बाइक चला नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। उस वही फीलिंग मैं आपको दे रहा था। एंड आई एम श्योर दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज समथिंग व्हेन यू गाइस हैव, ऑल द बाइकर्स वुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फीलिंग you know, I'm having right now. So, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, this is about my solo road trip which I had done to South India. I had covered 5 states. 5 states are Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and Goa. 4,000 kilometers solo road trip, approximately 14 to 15 days, which I had done. Amazing road trip. पता है आप लोग को मैं ये चीज बता दूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सोलो रोड ट्रिप करूंगा। मुझे हार्ले डेविडसन लेके अभी एग्जैक्टली 1 ईयर 1 मंथ हो रहा है, राइट। अब ऐसे टाइम पर मैंने कभी नहीं सोचा था, एंड दैट टू आई डिड इट इन 2019 दिसंबर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो टाइम पर कि मैं एक सोलो रोड ट्रिप करूंगा। बट ऐसा था कि मेरी दोस्त की शादी थी, उसका नाम है धनिक चंद्र बोस, और मेरी दूसरी दोस्त अंजलि सिंह, दोनों की शादी थी। तो उस शादी में वो बिहार में थी। अब उस टाइम पर धनिक मुझे बोला कि एक काम कर, रिसेप्शन केरला में, तू मुंबई से बाइक लेकर केरला आ जा। मैं बोला डन करते हैं। और केरला आकर के अंजलि एंड धनिक दोनों मिलकर के एक बाइक लेंगे और मैं मेरी बाइक पर, हम दोनों मिलकर के कोडाईकनाल चलेंगे एक ट्रिप पर। मैंने बोला इट्स इवन मोर अमेजिंग, चलो दैट साउंड्स लाइक अ क्रेजी प्लान। और मैं निकल गया। मतलब सबसे पहले तो मैंने सारी चीजें सेट की, जैसे कि मेरे बैग्स, मेरे टेल बैग सेट कर ली, मेरे बाइक के बैक रेस्ट सेट कर लिया ताकि मैं लगेज रैक वगैरह सारी चीजें सेट की, सब हेलमेट्स, ब्लूटूथ वगैरह सब चीजें, बस पिक एंड स्पैन सब रेडी किया मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं। निकला। सबसे पहला ट्रिप मैंने जो किया वो हम्पी था, मुंबई टू हम्पी। और जबरदस्त ट्रिप था। मैं अप्रोक्सीमेटली 3:30-4 बजे के आसपास गया था यहाँ से, मैं घर से निकला था। और पता है वाया पुणे में गया था। पुणे के पहले खोपोली जो जगह है, जो लोनावला के भी पहले आता है, वो माय गॉड उधर के रास्ते तो बहुत खराब थे। दैट वाज द ओनली पैच वेयर आई फेल्ट इट्स द रोड्स वेयर बैड, अदरवाइज इट वाज अमेजिंग। मैं निकला, फिर जो तरीके से मैंने कवर अप की थी, फर्स्ट बिफोर सातारा आई जस्ट टुक फ्यूल ब्रेक, रिफ्यूल किया, आगे निकला। कोल्हापुर में जाकर के एक्चुअली टुक अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट ब्रेक। उसके बाद निपानी से लेफ्ट लिया, आगे गया, हम्पी पहुंचा। हम्पी में मेरा दोस्त आ रहा था, जो मेरा एक दोस्त है उसका, जिसका नाम अभिनंदन है। He started from Bangalore. He was coming from Bangalore, and we were supposed to meet at Hampi. Hampi में हम मिले, और वो एक जबरदस्त ट्रिप रहा। Let me tell you guys, हम्पी यार जरूर एक रिलीजियस जगह है। I mean, एक सब कहते सारे टेम्पल्स वगैरह सारी चीजें हैं यार। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो हम्पी को, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस प्लेस। उसको साइड पे हटा दो, उसकी जो ब्यूटी है ना उस जगह की, वहाँ पे जो पहाड़ है, जिस तरह की पहाड़ है उसकी, पहाड़ ऐसे हैं पत्थर के ऊपर, और पत्थर छोटे पत्थर नहीं है, रॉक्स, बड़े बड़े चट्टाने जो बोलते हैं, चट्टान के ऊपर एक और चट्टान, मतलब बहुत बड़े बड़े रॉक्स। और जो टेम्पल्स है वो अलग टाइम के एंशियंट टेम्पल्स, मतलब कि जो बिल्डिंग्स बने हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, जिस तरीके से बना है राइट, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग को जाना ही चाहिए उस जगह पे, हाईली रिकमेंडेड प्लेस। आप लोग हमेशा गोवा के लिए प्लान ट्रिप करोगे, कुछ और जगह जो भी है कमर्शियल प्लेसेस, यार एक ट्रिप जरूर हम्पी के लिए करना। चलो अगर आपको टेम्पल्स में इंटरेस्ट है, टेम्पल मत जाओ यार, वहाँ पे अलग जैसे कि वाटरफॉल्स, लेक्स वो भी है। हम लेक्स के एक लेक पे गए थे जहाँ पे ऐसे क्लिफ है, जैसे बहुत बड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर से जंप कर रहे थे, क्लिफ जंपिंग ऑन टू वाटर, पानी में सीधे जंप, यार बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद एक जगह था जहाँ पे सारे रॉक्स थे, उसके पीछे से पानी जा रहा है, दे कॉल इट द वाटरफॉल्स। सुपर प्लेस टू गो, बट या वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। हम्पी वाज अमेजिंग फॉर मी। हम्पी खत्म किया, मैं गया उसके बाद हम्पी से कूर्ग। Karnataka government has done a wonderful job in terms of that road construction. Let me tell you, मैं constantly 130 to 150 के बीच में maintain कर रहा था speed, वो भी approximately 45 minutes के लिए। इतना ज़बरदस्त रोड उन्होंने किया है maintain, superb। And करीब हम्पी से चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा से कूर्ग, ये जो पैच है mind blowing। Obviously कूर्ग पहुँचते थोड़े roads narrow होते हैं, obviously hill station है। Can't expect big roads and you can't expect yourself to go on higher speeds. But yeah, hats off Karnataka government. You guys have done a good job. So yeah, I reached Coorg. Coorg में पहुँच करके वहाँ पे एक डैम विजिट किया मैंने सबसे पहले तो, जिसका नाम है चिकली होल डैम। यार चिकली होल नाम कुछ और अच्छा नाम रख लेते हैं, बट कोई बात नहीं, नाम से मत जाओ। जो जगह है राइट, यार इतनी पीसफुल जगह है, वहां पे लोग भी नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नोबडी देयर, खाली जगह इनसाइड अ नेशनल फॉरेस्ट। यार जो डैम है, डैम के डैम में जो सामने वाटर बॉडी है, देयर वर क्रोकोडाइल्स, देयर वाज अ बोर्ड पुट अप, देयर आर लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, डू नॉट ट्राई एंड एंटर दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। सो मैंने वो वाटर बॉडी बिल्कुल एंटर नहीं किया। मैं बोला भाई क्रोकोडाइल के सामने, मगरमच्छ के सामने तो मुझे नहीं आना है, जो भी हो जाए। मेरा अच्छा खासा रोड ट्रिप चल रहा है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, आई डोंट वांट टू एंड माय लाइफ देयर, बट यहाँ ब्यूटी बहुत जबरदस्त, ग्रीनरी, सारी चीजें, कूर्ग बहुत सही है। और पता है सबसे अच्छी बात कूर्ग की क्या है, मैं जब कूर्ग में जा रहा था, मैं जब एंटर किया मैं चंदन का, आई कुड स्मेल चंदन, चंदन जो है ना उसकी अच्छी खुशबू आ रही थी मुझे, सैंडलवुड, बहुत पूरे रास्ते सैंडलवुड की खुशबू आ रही है। मैं बोला यार अब यार पूरे दिन भर मैं रास्ते में चला सकता हूँ, माइंड एकदम माइंड ब्लोइंग है मेरा, और क्या चाहिए। बट यस, कूर्ग वाज एन अमेजिंग प्लेस। आई स्टेड एट अ प्लेस कॉल्ड जोस्टेल। जोस्टेल, सम ऑफ यू गाइस वुड नो जोस्टेल। जोस्टेल इज अ वेरी फेमस हॉस्टल, a chain of hostels all around India. I stayed back there for the night, and I met around so many people there, so many people from different countries. बहुत अच्छी जगह है सोशलाइज करने को, लोगों से बातचीत करने के लिए, अमेजिंग प्लेस। अच्छी खासी रात गुजारी, अच्छे लोग थे वहाँ पे, खाना भी अच्छा था। वो ख़त्म किया, अगले दिन मैं निकला वहाँ से केरला के लिए। सो कूर्ग इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ केरला, कर्नाटका केरला बॉर्डर पे पड़ता है। तो कूर्ग से मैं निकला एंड वहाँ से जाते जाते एक डेंस फॉरेस्ट है। कूर्ग से आप केरला जाओगे, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आता है वहाँ पे, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे आप लोग को लोग भी नहीं दिखे। यार ऐसा टाइम था अप्रॉक्सीमेटली, वो पूरा जो घाट एरिया था, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स दैट इट टुक मी 45 मिनट्स टू कंप्लीट दैट होल घाट एरिया। But in that whole Ghat area, I only saw 4 to 5 cars. That whole Ghat, let me tell you, यार मजाक नहीं है ये चीज़। यार इतनी ज़्यादा फट गई थी मेरी। पेड़ ऊपर से, पूरे सारे पेड़ हैं यहाँ पे, and it's covered, it's completely covered। मेरे को आसमान भी मुश्किल से दिख रहा है, और मैं उस बीच से जा रहा हूँ और बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे, यहाँ पे लेपर्ड है, यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे टाइगर है। यार डराओ तो मत यार आदमी को। तो मैंने बोला अब तो रुकना नहीं है, रास्ते में जो भी हो जाए फटाफट इसको क्लियर करना है, यहाँ से निकलना है और केरला एंटर करना है। जब मैंने केरला बॉर्डर क्रॉस किया, सबसे पहला चीज मैंने बोला कि अब इट्स टाइम टू स्टॉप, अब एक ब्रेक लेते हैं, कटिंग लेते हैं, क्योंकि ठंड भी थी, मैं सारे घाट उतर के आया था, ठंड भी थी, तो मैंने बोला कटिंग लेते हैं, चाय भी अच्छी खासी। ब्रेक खत्म किया, मैं निकला आगे जाकर के अप्रॉक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर ऐसे पैच थे जहाँ पे मजा आ गया था मुझे चलाना, मतलब इट वाज, आई लव राइडिंग इन दोस रोड्स। बट 30-40 किलोमीटर बाद यार जो हाईवेज है ना केरला की, जो नेशनल हाईवेज है, वो टाउन के थ्रू जाती है. इट passes through every small town possible. It is really bad and roads are really narrow. I mean Kerala guys, I mean Kerala government, आप लोगों को कुछ करना चाहिए यार. मैं बिल्कुल चाहता हूँ यार आप लोग कुछ अच्छा करो. स्पेशली द नॉर्थ साइड ऑफ केरला, साउथ साउदर्न साइड ऑफ केरला इज रियली गुड, बट नॉर्दर्न साइड it's passing through all small towns. It took me really long time to reach Palghat. Palghat is my dad's place. You know, मेरे dad की बहन वगैरह सारे लोग वहीं रहते हैं. तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से केरला पहुँचते सबसे पहले मैं पालघाट गया. मैं पालघाट पहुँचा, एक दिन वहाँ पे स्पेंड किया. अगले दिन तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था मेरे दोस्त की रिसेप्शन, धनिक चंद्र बोस एंड अंजलि सिंह, उनका रिसेप्शन वॉज इन केरला. सो मैं गया Thrissur. So the moment I reached Thrissur, the first thing I did was change my clothes quickly. फटाफट रेडी हो जाए, आयरन करो सारे कपड़े, रेडी हो जाओ रिसेप्शन के लिए, क्योंकि शाम को रिसेप्शन था. रिसेप्शन खत्म किया, मैं खुद होस्ट था उस रिसेप्शन का. ज़बरदस्त इवेंट था. खाना जो खाया, माइंड ब्लोइंग फूड यार. खाना खाया, सब खत्म किया. अगले दिन जो है हम गए कुमारकम. कुमारकम is a place where there are houseboats which run on these backwaters. You know, backwaters, Kerala is known for its backwaters, and so yes, the backwaters में हम houseboats में गए यार. पूरे रास्ते त्रिशूर से लेके कुमारकम पूरे रास्ते ऐसी हरियाली थी, ऐसी ग्रीनरी थी, इतना प्रिटी है वो जगह, पूछो मत यार. आप लोग को जाके देखना चाहिए. मेरे वर्ड्स तो उसको शायद खराब कर देंगे, बट ब्यूटिफुल प्लेस. आप लोग मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हो. सो कुछ 4-5 घंटे हम कुमारकम के हाउस बोट में थे. वहाँ पे खाना भी मिला. वहाँ पे एक लोकल फिश है विच इज कॉल्ड करीमीन. करीमीन खाया, मेरा फेवरेट फिश है. करीमीन खाया, मज़ा आ गया मुझे. मतलब पूरा सांभर, राइस, करीमीन और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी. मज़ा आ गया खाकर. अगले दिन हमारा मेन प्लान त्रिशूर कोडाईकनाल, जिसके लिए ये पूरा रोड ट्रिप हुआ. राइट, त्रिशूर से कोडाईकनाल हम गए. धनिक चंद्र बोस एंड अंजलि सिंह, वो दोनों थे ऑन रॉयल एनफील्ड क्लासिक, और मैं मेरे हार्ले डेविडसन रोडस्टर पे. और मज़ा आ रहा था चलाकर. यू नो, पूरे रास्ते, यू नो, मेरा दोस्त साथ में, मेरे दोनों दोस्त साथ में है और मैं भी चला रहा हूँ. पूरे घाट्स वगैरह, यू नो, कोडाईकनाल के घाट्स काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है. मज़ा आ गया था घाट्स चढ़कर. पहुँचे वहाँ पे. मैंने इनके लिए आइडियली एक प्रॉपर्टी बुक किया था एयरबीएनबी के थ्रू. मैं वो उस प्रॉपर्टी का लिंक डालूँगा डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप कोडाईकनाल जा रहे हो ज़रूर उस प्रॉपर्टी में रुकिएगा, क्योंकि वो सबसे हटकर एक प्रॉपर्टी है. वो कोई एक ऐसे कमर्शियल एरिया में नहीं है. वो काफ़ी ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है. बाइक जाती है, गाड़ी भी चली जाएगी वहाँ तक. यू नो, जाना पड़ता है काफ़ी आगे. आगे जाकर के एकदम अलग हटकर जगह पर है. वहाँ पे अगर आप रहते हो, अगर आप उसमें बालकनी में जाते हो, राइट, उस जगह के बालकनी से देखते ही वहाँ पे सीधा व्हाट यू सी इज हिल्स ऑल अराउंड, वैलीज, ट्रीज, और आगे कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग. पर वो रोड वहाँ पे एंड होता है, उसके आगे कुछ नहीं है. और ऐसे जगह में रहना इज समथिंग जो मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव नॉट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, स्पेशली पीपल फ्रॉम इंडियन मेट्रो सिटीज. यार आप लोग को तो जाना ही चाहिए. कोडाईकनाल बहुत ज़बरदस्त जगह है, ज़रूर देखिएगा. और टेम्परेचर, क्या वेदर, टेम्परेचर बहुत अच्छा है. वहाँ पे कैंप फायर किया हमने रात को, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. और मेरे दोस्तों को मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा था. आई मिस दैट डे अ लॉट यार, बट येस वी स्पेंड अ रियली गुड टाइम. बट अगले दिन हमारे पास एक ही दिन था. अगले दिन मुझे वापस कोयम्बटूर जाना था. कोयम्बटूर इज़ माई मॉम्स प्लेस. तो वहाँ पे मेरे कजन्स हैं, मेरी आंट है, अंकल हैं, काफ़ी सारे लोग हैं मेरे. तो वहाँ मुझे अगले दिन जाना था. तो अगले दिन हम निकले कोडाईकनाल से कोयम्बटूर के लिए. बट पूरा रास्ता वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी यार. गोइंग डाउनहिल बहुत ख़राब था हमारे लिए, क्योंकि बारिश हुई उस टाइम. और टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा था, बहुत काफ़ी ठंडा था। और इन इस दोनों तो वाटर एज वेल एज लो टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ बोथ मेरे वाइजर पे कंटिन्यूस फॉग था, मतलब फॉगी पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे सामने, प्लस बारिश की बूंदें बार बार आ रही थी वाइजर पर, बहुत डिफिकल्ट था। और वो घाट्स भी है उसके ऊपर से, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, मेरे लिए नहीं दैनिक के लिए डिफिकल्ट हो गया था। बट हमने बोला यार करना तो है ही यार, जो हो जाए वी नीड टू डू दिस, सो वी केप्ट ऑन गोइंग अहेड एंड वी कंप्लीटेड दोज घाट्स, वी केम डाउन द हिल ऑफ कोडाईकनाल एंड आगे जा कर के हम एक पलनी करके एक रिलीजियस प्लेस है वहाँ से क्रॉस होता है कोयम्बटूर जाने के लिए, तो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे एंड धनिक का टायर पंक्चर हो गया। अब ऑब्वियसली टायर पंक्चर वाला आजू बाजू तो होगा नहीं हाईवेज के ज़्यादा, तो थैंक गॉड हम पलनी में थे प्रॉपर कि उस पास उसके आसपास हुआ तो एटलीस्ट थोड़े डिस्टेंस में तो टायर वाला था। तो हम गए पंक्चर, हमने गए सिर्फ धनिक गया, टायर फिक्स किया, मैं और अंजलि 2 घंटे तक बैठे थे और तो वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम। बट एक अच्छी चीज़ ये थी हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए साथ में। धनिक और अंजलि वापस निकल गए त्रिशूर की तरफ, मैं वहाँ से डाइवर्जन लिया कोयम्बटूर की तरफ और मैं आ गया कोयम्बटूर एंड इट वाज रियली नाइस फीलिंग टू गेट माय हार्ले डेविडसन टू कोयम्बटूर। यू नो I wasn't sure if it's going to be possible in future or not, but it's right now. It was all possible for me. Everything came together at the right time, and yes, things worked out. So Coimbatore was the place where I actually rested properly. मैं करीब 2 दिन मैंने कोयम्बटूर में स्पेंड किया मेरे फैमिली के साथ, मेरे कजन्स के साथ, और वहाँ पे मैंने हार्ले डेविडसन का शोरूम विजिट किया था। उनसे मैं पूछ रहा था उस टाइम पर कि मैं क्या रूट लूँ, मुझे गोवा जाना है, कोयम्बटूर टू गोवा जाना है, ऑलमोस्ट 15-16 घंटे का रास्ता है, कौन सा रूट आपके हिसाब से लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ऊटी, मसनगुड़ी, बंदीपुर, मैसूर होकर के जो रूट जाता है वो लेना था। अब मैं इनसे पूछा था, इन्होंने बोला कि प्लीज डोंट टेक दैट रूट, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, रास्ता बहुत स्लिपरी होता है, प्लस वो रास्ता बंद भी होता है, तो आपको शायद अलाउ नहीं करेंगे उस रास्ते से जाने के लिए। मैंने बोला यार ये तो यार दुविधा हो गई यार, अब तो मुझे मतलब वो तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, मतलब इस पूरे रोड ट्रिप में मैंने ये सोचा था कि ये वाले जगह पे तो जाना ही है नो मैटर व्हाट। हुआ ये कि इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं जाओ, बैंगलोर होकर के बैंगलोर को बाईपास करके निकलो आप, वो ज़्यादा बेहतर होगा गोवा जाने के लिए। नो डाउट वो उन्होंने जो रास्ता कहा शॉर्टर रूट था, पर मुझे शॉर्टर रूट लेना ही नहीं था क्योंकि मुझे ये रूट के थ्रू जाना था जो काफ़ी सीनिक था। ब्यूटी मतलब अलग लेवल है यार, आप लोग ब्लॉग देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पूरे कंफ्यूजन में हो गया, मैं बोला अब अगर मैं ये रास्ता ले लूँ और अगर उन्होंने आगे जाके रोका मुझे 4 घंटे वापस पीछे आने पड़ेंगे टू गेट बैक टू द नॉर्मल रूट, बैंगलोर वाला रूट। अब सोचा पूरी रात सोची, सुबह निकलना था मुझे, सुबह भी बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। मैंने मेरे कजिन को बोला आई डोंट थिंक आई शुड बी थिंकिंग अ लॉट, इट्स नाउ और नेवर, आई एम गोना मेक दिस मूव, मैं वही रूट करूँगा, ऊटी, मसनगुड़ी, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, मैसूर, गोकर्णा एंड देन गोवा। तो यस मैंने लिया वो स्टेप, मैं निकला और मैं ऊटी हिल्स के थ्रू जा करके सबसे पहले तो मैंने फ्यूल अप किया। ऊटी में अच्छा खासा टेम्परेचर था, ठंड तो मतलब मेरे भेजे उड़ा दिए पूरे, ठंड बहुत ज़्यादा थी ऊटी में, वो ख़त्म किया मैंने ऊटी हिल्स। और एक 36 हेयरपिन बेंड्स आता है, इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ साउथ इंडिया, और मुझे वो हमेशा करना था, मतलब कि विथ डेंजर comes beauty as well, right? रिस्क लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गेन भी होगा। तो मैं गया 36 हेयरपिन बेंड्स किए, आप लोग जरूर वो ब्लॉग देखना। मैं ये देखो ऊपर ये दिख रहा है आपको ये लिंक, इस पर क्लिक करो तो आप देख सकते हो ब्लॉग। तो किया मैंने वो चीज़ 36 हेयरपिन में। उसके बाद आया नेशनल फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व कंप्लीट की मैंने, जहाँ पर मैंने एक्चुअली प्रॉपर वाइल्ड लाइफ के थ्रू में गया था। काफ़ी वाइल्ड लाइफ में मैंने डियर्स, पीकॉक्स, एलिफेंट्स, बंदर, लंगूर वगैरह काफ़ी क्रॉस करे थे। मैंने बीच में ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने मेरे डैड को बीच में फ़ोन किया, मैंने बोला डैड I'm actually living my life. So I completed Masinagudi, Bandipur, and then I reached Mysore. Mysore पहुँचते ही I love the city of Mysore. मैं पहले भी जा चुका हूँ। वहाँ पर टेम्परेचर ज़बरदस्त था, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स थे, मज़ा आ गया था देखने के लिए सारी चीज़ें। ओनली थिंग वॉज वहाँ की ट्रैफिक सही नहीं थी, लोगों की ड्राइविंग स्टाइल सही नहीं थे, बट दैट्स ओके, वो बेयर कर लिया, हम आगे निकल गए। एंड देन काफ़ी टाइम लगा मुझे, ऑलमोस्ट 15 घंटे लगे टू रीच गोवा, ऑलमोस्ट 14.5 hours अप्रॉक्सीमेटली टू रीच गोवा। वागाटोर बीच पहुंचा, वहाँ पे मैंने पापुचुलो गेस्ट हाउस में, जो हॉस्टल है पापुचुलो हॉस्टल, वहाँ पे मैंने रूम बुक किया हुआ था, वहाँ पे मेरा स्टे था। वहाँ काफ़ी सारे लोगों से मेरी इंट्रैक्शन हुई, बहुत सारे लोग फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, ऑल ऑन द वर्ल्ड, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। इट वॉज वेरी नाइस टू मीट देम। वहाँ का ओनर भी इज ऑल्सो सुपर कूल, लेट मी टेल यू। वो ख़त्म कर ली, बीचेस घूमे, गोवा की भी एक ब्लॉग है, आप लोग वो भी देख सकते हो। वो सारी चीज़ें ख़त्म की, मैं निकला गोवा से मुंबई के लिए। सारे घाट्स वगैरह जो है ख़त्म किए। जब मैं कोल्हापुर पहुँचा, मेरे साथ हुआ सबसे बड़ा कांड। आप लोग खुद देखो, आपको समझ में आएगा। Look at the tire. So you can actually see all the threads and stuff over here. It's very risky. I'm not getting a new tire right now. So my tires got completely ripped. मतलब उसके threads, white threads दिखने लग गए। अब इस moment पे मेरे पास कोई option नहीं था। मैं गया हार्ले डेविडसन कोल्हापुर, वहाँ पे मैंने पूछा उनसे कि यार मुझे नए टायर्स चाहिए अभी के अभी। इट वॉज अ संडे, वहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। उन्होंने सारे टायर शॉप्स कोल्हापुर के उनको कॉल किया, उनके पास भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब बाइक तो छोड़ नहीं सकता कोल्हापुर में, मुझे जाना ही था कुछ भी करके, ना रुक सकता था क्योंकि मुझे अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करना था। समहाउ आई हैड टू टेक दैट रिस्क, went ahead, and now people will say you shouldn't have taken that risk, but I just had that gut feeling that yes, I'll make that happen, and I went ahead. I completed this whole journey from Kolhapur by somehow, fingers crossed. यार मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए सारी चीज़ें went on my favor. My fate was very nice. I reached Mumbai, and I thoroughly thanked myself, my fate. I thanked all the gods possible. उस टायर के साथ किसी को इतना लंबा आना पॉसिबल नहीं था। ये सारी जर्नी में एक चीज सीखा यार, अगर आप स्टेप नहीं लोगे ना सोलो ट्रिप के लिए, आप लोग आगे नहीं कुछ कर नहीं पाओगे। आप लोग को स्टेप लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक दैट स्टेप टू गो फॉर इट। सोलो ट्रिप के लिए निकलो, आगे देखा जाएगा क्या होता है। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ वेल बिफोर द ट्रिप, दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। अच्छे से प्रिपेयर करो, निकलो, जाओ, एक्सप्लोर करो खुद को, नेचर को, एनवायरनमेंट को, जगहों को। बहुत ज़बरदस्त है गाइज, आई विल ऑलवेज रिकमेंड दैट। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट माई सोलो ट्रिप, माई सोलो साउथ इंडियन ट्रिप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4,000 kilometers। एंड लेट मी टेल यू, वंस आई कंप्लीटेड दीज 4,000 kilometers, मेरी गाड़ी हार्ले डेविडसन रोडस्टर कंप्लीटेड 10,000 kilometers एज वेल ऑन द ओडोमीटर रीडिंग। आई एज रियली हैप्पी टू सी दैट। But yes, it was a nice feeling, superb feeling. Alright, so I'm going to end this vlog right here. Thank you so much for watching, and thank you so much for supporting. Please do suggest me more destinations where you think I should go. आप लोग suggest करो जगहों को, आप लोग के हिसाब से, आप लोग जहाँ चाहते हो मैं जाऊँ, vlog करूँ, मैं सुनना चाहूँगा आप लोगों की राय। थैंक यू सो मच यार। प्लीज प्लीज प्लीज, आई ऑलवेज से, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू गाइस।